उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह जो हैं वो रामपुर में कैंप किए हुए हैं और गांव-गांव जाकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। धर्मपाल सिंह जी जो सभाएं कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब वो हमारे साथ हैं। धर्मपाल जी, ये बताइए किस तरह का चुनाव प्रचार चल रहा है रामपुर में? आप पिछले कई दिनों से यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। देखिए, रामपुर विधानसभा सदर का चुनाव बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ की जनता में बड़ा भारी उत्साह है और जनता वास्तव में कल्याणकारी योजनाओं का ध्यान में रखकर वोट देने का उसने मन बनाया है। कल्याणकारी सरकार की विशेषता होती है वो जनता को सुरक्षा दे दे, चलने के लिए सड़कें दे दे, रहने के लिए मकान का प्रबंध कर दे, स्वच्छ पेयजल की का व्यवस्था हो जाए, दवा का प्रबंध हो जाए और गैस कनेक्शन आदि ऐसी चीज़ों का प्रबंध हो जाए। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कुछ स्थानों पर हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमारे गांव में कुछ असुविधा है। जो काम विधायक के करने के हैं वो हम सांसद नहीं कर सकते। हमने कहा है कि आपने दरवाज़ा खोला है यानी सांसद बनाया है, अब खिड़की और खोल दो, खिड़की यानी विधायक, तब घर में प्रकाश हो जाएगा। तो जनता इस सीट पर 10 बार समाजवादी पार्टी के आजम खान जो हैं विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, तो क्या उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ? निश्चित रूप से जैसा विकास होना चाहिए। देखिए, रामपुर के उद्योग धंधे बंद हो गए, रामपुर की व्यवस्था बहुत खराब है, अराजकता थी। आज आम जनता कह रही है कि भाई रामपुर में खुले आम माँ बहन बेटी रात के अंधेरे में चली जाए, कोई छूने वाला नहीं है, कहीं कोई बुरी नज़र से देखने वाला नहीं है। ये मोदी जी और योगी जी की सरकार का प्रताप है और इसीलिए रामपुर में कानून व्यवस्था चाक चौबंद है। आज जेवर पहनकर महिलाएं सरेआम सड़कों पर घूम रही हैं, उनको कोई बुरी नज़र से नहीं देख रहा है, उन्हें छू नहीं सकता कोई। लेकिन मंत्री जी, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान, वो कह रहे हैं कि ये चुनाव जो है वो अन्याय का चुनाव है, दमनकारी नीति जो है सरकार अपना रही है। देखिए, माननीय आजम खान के बारे में, जिन्होंने अपनी भाषा से विद्वेष पैदा करने का काम किया और समाज को बांटने का काम किया, जनता ने निर्णय ले लिया है उन्हीं के आधार पर। ये चुनाव 5 साल बाद होना चाहिए था, लेकिन आज 6 महीने के बाद चुनाव हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की जा रही है, इसका जवाब जनता उनको खुद ही देगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आकाश सक्सेना को जिताकर जब मन में आएगा तो त्यागपत्र दे देंगे, जब मन में आएगा तो चुनाव करा देंगे। जनता ने मन बना लिया है, उन्हें सबक सिखाएगी। एक और सवाल था मेरा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों का सर्वे कराया है, अब आगे का रोड मैप क्या है? और जो आपने कल कहा था कि उत्तर प्रदेश में मदरसों के लिए एनसीईआरटी का कोर्स जो है सरकार लागू करेगी, तो आगे की रणनीति और सरकार की योजना क्या है मदरसों के लिए? देखिए, माननीय मोदी जी ने मेक इन इंडिया में 5 बातें कही थी। सबसे मेक इन इंडिया का पहला नारा था बेहतर स्वास्थ्य, जिसके लिए 5 लाख रुपए का उपचार हर गरीब को देने का काम किया जा रहा है। दूसरा नारा था बेहतर शिक्षा, बेहतर शिक्षा हर गरीब के बच्चे को मिले, अच्छी शिक्षा मिले। और माननीय मोदी जी ने, क्योंकि मदरसे की शिक्षा में ज़्यादातर गरीब मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, तो इसलिए मोदी जी ने कहा था हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए ये सारी व्यवस्था करेंगे, और एक हाथ में कुरान होगा तो एक हाथ में लैपटॉप होगा। इसीलिए हम ये अभी जो सर्वे कराया है, 8,500 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को हम मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करेंगे। और यदि वो नहीं मतलब मान्यता देगी सरकार, देखिए मान्यता की शर्तें यदि वो पूरी करेंगे तो हम निश्चित मान्यता देंगे। उसके अलावा जो धार्मिक शिक्षा है, दीनी तालीम है, उसके साथ साथ में आधुनिक तालीम के लिए जो आपने कहा कि एनसीईआरटी का कोर्स लागू करेंगे, साइंस विज्ञान और गणित के टीचर जो है वो दिए जाएंगे, तो इसके लिए सरकार कोई अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से बजट बनाएगी? देखिए, हम इसके लिए बजट भी दे रहे हैं और एनसीईआरटी की पुस्तकें हम फ्री देंगे गरीब मुसलमानों के बच्चों को, और वो पैसा उनके खाते में भेजने का काम करेंगे। हम इसकी सर्वे करा चुके हैं, जो बच्चे पढ़ेंगे हम एनसीईआरटी, हमने ठीक है यदि कोई मौलवी बनना चाहे बने, हम उसको नहीं रोक रहे, लेकिन हम दीनी तालीम से अलग
विज्ञान, गणित, इंग्लिश और सामाजिक विषय इत्यादि विषय पढ़ाकर उसको मुख्य धारा में जोड़कर हम उसको आईएएस बनाना क्या चाहिए। इसके लिए इन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जो आधुनिक शिक्षा है उसको उपलब्ध कराने के लिए अध्यापकों की भर्ती होगी, बजट एलोकेट किया जाएगा, बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी क्या वो पूरा किया जाएगा? निश्चित रूप से जो प्राइवेट स्कूल हैं वो हमारी विधिक मान्यता लेने के लिए जो विधिक कार्रवाई है उसको पूरा करेंगे, तो इस पर हम विचार करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक होगी, तदनुसार फिर कार्रवाई करेंगे। ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है अब मदरसों को आधुनिकीकरण की तरफ ले जा रही है और उसमें दीनी शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा जो है वो भी कंपलसरी की जाएगी। आपका अच्छा सवाल है, वो दीनी तालीम लें कोई दिक्कत नहीं है, उर्दू अरबी फारसी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, यदि कोई निरा मौलवी बनना चाहे बने, हमारा कोई उस पर रोक नहीं है, लेकिन जो सपा बसपा कांग्रेस के लोग मौलवी बनाकर उनका दुरुपयोग करते थे, वो आईएएस इंजीनियर और डॉक्टर और प्रशासक नहीं बनना देना चाहते थे, अब उन्हीं के पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि मुस्लिम वोट उनके हाथ से खिसक रहा है। रामपुर में मैं हूँ, कल अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक थी, उसमें महिलाएं भी थीं और बड़ी संख्या में पुरुष भी थे, सबने मोदी जी की नीतियों पर भरोसा व्यक्त किया, सबने योगी जी की नीतियों पर भरोसा किया और सबने हाथ उठा के संकल्प लिया कि आकाश सक्सेना को वोट देकर प्रचंड बहुमत से जिताकर भेजने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार अब मुसलमानों के जो दीनी मदरसे हैं उसकी शैक्षिक स्तर को बढ़ाएगी और मुसलमानों के वोट को भी जो है वो लेना पसंद करेगी? लेना पसंद नहीं कर रही है, हम ले रहे हैं, हमने आजमगढ़ की सीट जीती, वहाँ मुसलमानों ने हमें वोट देने का काम किया, रामपुर की लोकसभा जीती, यहाँ मुसलमानों ने वोट देने का काम किया और अब भी मुसलमान वोट देने का काम आकाश सक्सेना को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वोट देने का काम करेंगे। 5 नवंबर को जो वोट पड़ेगा रिकॉर्ड होगी। ये बताइए सर, जो विपक्ष के नेता हैं वो आरोप ये लगा रहे हैं कि भाजपा जो दावे कर रही है कि आधुनिकीकरण करेंगे, शिक्षक देंगे मदरसों में, लेकिन जो मदरसा आधुनिकीकरण के तहत मदरसों में वो रखे गए थे शिक्षक, उनकी तनख्वाहें नहीं दी हैं सरकार ने अभी तक, कई कई साल से रुकी हुई हैं, तो फिर नया बजट कैसे लाएगी सरकार? ये सवाल आपका गलत है। जो हमारे मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो अलग विषय है, जो हमारे एडिड मदरसे हैं, मान्यता प्राप्त मदरसे में एडेड मदरसों में अंतर है। ये जो एडेड मदरसे हैं उनको हम पूरा पैसा दे रहे हैं, हमने वहाँ टैबलेट बच्चों को देने का काम किया है, उनको आज हमने एम मेला ऐप जारी किया है, तो इस तरीके से हमने व्यवस्थाएं दी हैं। जो मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं है वो उनकी जिम्मेदारी है, जो बच्चे जो अध्यापकों को जिन्होंने रखा है वो उनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी। अब जो सरकार ये जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और जो दूसरे मदरसे हैं उसमें जो आधुनिक शिक्षा की योजना ला रही है कि उसमें साइंस, गणित और मैथ वगैरह सब पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए सरकार उनकी कुछ मदद करेगी? टीचरों की भर्ती होगी इस तरह के जो आधुनिक शिक्षा के टीचर होंगे? बेहतर शिक्षा के लिए जो कार्य करना होगा हम उसे करेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है कि जो मदरसों के अंदर दीनी तालीम के साथ साथ अब भाजपा सरकार आधुनिक शिक्षा भी जो है वो उपलब्ध कराएगी और उसके लिए अध्यापकों की जो भर्ती है वो भी की जाएगी और जो भी बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी होगी उसको पूरा किया जाएगा और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनके मानकों के अनुरूप उन्हें मान्यता दी जाएगी, अगर वो मानक पूरे करते हैं तो उनको भी मान्यता दी जाएगी और उन्हें मुख्य धारा में लाया जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।